on Zing. I think it's every woman's dream to be a beautiful bride. Apni shaadi ke din par, I think har aurat sabse khoobsurat dikhna chahti hai. कबूल हो गई है सैफ और करीना की दिली तमन्ना. पूरे होने जा रहे हैं सैफीना के सारे सपने, क्योंकि तय हो चुकी है सैफ और करीना की शादी की तारीख. जी हाँ, बॉलीवुड का ये हॉटेस्ट कपल, जो पिछले कई महीनों से अपनी शादी काम के चलते पोस्टपोन किए जा रहा था, उन्होंने फाइनली तय कर लिया है कि वो अपनी शादी मार्च 2012 से ज्यादा पोस्टपोन नहीं करने वाले. ये खुलासा किया है खुद पटौरी के नवाब सैफ अली खान ने. विश्वास नहीं होता तो ये देखिए एक इंग्लिश डेली को दिए इंटरव्यू में सैफ का ये स्टेटमेंट. सैफ ने कहा है दैट करीना एंड आई आर प्लानिंग टू गेट मैरिड आफ्टर एजेंट विनोद रिलीजेस, बट इफ इट गेट्स पोस्टपोन वी विल स्टिल गेट मैरिड बाय मार्च, वी वोंट पोस्टपोन द मैरिज एनी मोर. यही नहीं, सैफ ने तो ये भी कह दिया है दैट करीना इज अ वंडरफुल गर्ल, वी आर एक्सट्रीमली कंपैटिबल, वी लव ईच अदर एंड आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हर. और इसीलिए अब सैफ इज लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर मैरिज. यानी साफ है कि अब तक अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म एजेंट विनोद की रिलीज के चलते अपनी शादी को बैकफुट पर रखने वाले सैफ से अब नहीं हो रहा इंतजार. और अब वो नहीं चाहते कि काम की वजह से उनकी शादी और ज्यादा पोस्टपोन हो, क्योंकि इससे पहले खबरें आई थी कि एजेंट विनोद इसी साल 9 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसके बाद बजेगी सैफीना की शहनाई. मगर फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होकर पहुंच गई फेब 2012 तक, जिसके बाद मीडिया अपीयरेंसेस में शादी के सवालों पर करीना सिर्फ यही कहती नजर आई. आई थिंक इट्स एवरी वुमन्स ड्रीम टू बी अ ब्यूटीफुल ब्राइड. अपनी शादी के दिन पर आई थिंक हर औरत सबसे खूबसूरत दिखना चाहती है. वेल, वी वुड से दैट्स द वे सैफ हुए. वी आर श्योर आपके इस डिसीजन से करीना भी काफी खुश होंगी. आखिर दुल्हन बनने का उनका सपना पूरा जो हो जाएगा, वो भी द ग्रैंड पटौरी पैलेस में. वेल, वी विश यू गाइज ऑल द लक इन लाइफ.